दोस्तों तारीख थी 3 अक्टूबर, साल था 1996। बीकानेर के रहने वाले निहाल चंद बिश्नोई को अचानक पता चलता है कि बाडनो गांव में शिकारियों ने 6 हिरणों को मार दिया है। खबर मिलते ही निहाल चंद फौरन कुछ गांव वालों के साथ शिकार वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। ये लोग शिकारियों को रोकने के लिए उन पर धावा बोल देते हैं। शिकारी इन लोगों को अपनी तरफ आता देख गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। इस गोलीबारी में निहाल चंद जी बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं, मगर वो उस जगह को नहीं छोड़ते जहां मरे हुए हिरण पड़े थे। आखिरकार शिकारियों को बिना हिरण लिए वहां से जाना पड़ता है। कुछ देर बाद घायल निहाल चंद बिश्नोई की मृत्यु हो जाती है। 1999 में भारत सरकार निहाल चंद जी को उनकी बहादुरी के लिए शौर्य चक्र देती है। इसके साथ ही निहाल चंद बिश्नोई जी पहले ऐसे भारतीय बन जाते हैं जिन्हें सेना में न होने के बावजूद शौर्य चक्र से नवाजा जाता है। हो सकता है कि बिश्नोई समाज के बाहर इस कहानी से कुछ लोग वाकिफ न हो, मगर बिश्नोई समाज में निहाल चंद जी की ये दास्तां हर कोई जानता है। हमने भी इस वीडियो की शुरुआत अगर इस कहानी से की है तो इसके अपने रीजंस हैं। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद आज हर किसी की जबान पर लॉरेंस बिश्नोई का नाम है। लॉरेंस बिश्नोई का ये स्टेटमेंट हर जगह चल रहा है कि जब तक सलमान खान काले हिरण की मौत के लिए माफी नहीं मांगते तब तक वो सलमान खान को माफ नहीं करेंगे। बहुत से लोग जो राजस्थान या इस इलाके के बाहर के हैं वो ये बात समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर एक हिरण को मारना इतना बड़ा मामला कैसे बन गया। बहुत से लोग लॉरेंस के इस गुस्से पर हैरान भी हो रहे हैं। लॉरेंस ने सही किया या गलत हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन हमारे व्यूअर्स के लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर बिश्नोई समाज एक हिरण की मौत के लिए सलमान खान से आज भी इतना गुस्सा क्यों है। हो सकता है कुछ कौमों के लिए मासूम जानवरों को मार देना उनके ट्रेडिशन का हिस्सा हो, लेकिन बिश्नोई समाज ऐसा है जहां जानवरों को इंसानों की तरह ही माना जाता है। ये एक ऐसी कम्युनिटी है जहां महिलाएं जानवर के अनाथ बच्चों को स्तनपान तक करवा देती हैं। बिश्नोई समाज के गुरु जम्भेश्वर जी ने इस कम्युनिटी को ऐसे संस्कार दिए हैं कि ये लोग पेड़ पौधों की हिफाजत के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। पहले से पहले कि मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग और उनकी सलमान खान से चल रही दुश्मनी पर आऊं, आप एक और कहानी सुन लीजिए। ये कहानी आपको बताएगी कि आखिर बिश्नोई समाज के लिए हिरण या जानवर ही नहीं पेड़ पौधे भी क्या मायने रखते हैं। राजस्थान में एक खेजड़ी का पेड़ पाया जाता है। ये एक ऐसा पेड़ है जो भरे रेगिस्तान में भी हरा भरा खड़ा रहता है। खेजड़ी का पेड़ भी बिश्नोई समाज में उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि काला हिरण। ये मामला है साल 1730 का, 1730। उस वक्त जोधपुर के महाराजा अजय सिंह को अपने महल के लिए लकड़ी की जरूरत थी, तो उनके सैनिक गांव में मौजूद एक खेजड़ी का पेड़ काटने चले जाते हैं। जैसे ये बात अमृता देवी नाम की एक महिला को पता लगती है तो वो पेड़ के आगे खड़ी हो जाती है। अमृता देवी ने सैनिकों को चुनौती दी कि अगर तुम्हें पेड़ काटना है तो पेड़ से पहले तुम्हें मेरी गर्दन काटनी होगी। सैनिकों ने भी अमृता देवी की गर्दन काट दी। उसके बाद पेड़ को बचाने आई अमृता देवी की 3 बेटियों को भी सैनिकों ने मार डाला और आखिर में अमृता देवी के पति को भी सैनिकों ने मार डाला। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस दिन उस एक पेड़ को बचाने के लिए 363 लोगों ने अपनी जान दे दी। ये बताइए दोस्तों, क्या दुनिया के इतिहास में आपने ऐसी कोई एक भी कहानी सुनी है जहां एक पेड़ को बचाने के लिए 363 लोगों ने अपनी गर्दनें कटवा ली हो? शर्म की बात है कि आजादी के बाद इतिहास लिखने वालों ने औरंगजेब जैसे क्रूर शासकों का तो महिमा मंडन कर दिया, मगर उन वामपंथी मक्कारों ने आपको ऐसी एक कहानी नहीं बताई। अगर ऐसी कहानियां इस देश के बच्चों ने पढ़ी होती तो वो अपने लोगों की बहादुरी के बारे में जान पाते। आज के बच्चे ये समझ पाते कि बहादुरी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप दूसरे राज्य पर कब्जा कर लें या आप मजहब फैलाने के लिए काफिरों की गर्दन काट लें। बहादुरी का मतलब ये होता है कि अगर एक पेड़ को बचाने के लिए आपको अपनी गर्दन तक कटवानी पड़े तो भी आप पीछे न हटें। बहादुरी किसी को मारने में नहीं, बल्कि बहादुरी एक पौधे, एक जीव को बचाने के लिए अपनी जान तक देने में है। और भारत की ऐसी ही कहानियां हमारे पॉडकास्ट में आपको देखने और सुनने को लगातार मिलेंगी। इसके लिए आप हमारे TRP चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक दिया है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का कहना है कि बचपन में जब उसे यह पता लगा कि सलमान खान ने जोधपुर में काला हिरण मारा है तब से ही वो उससे बदला लेना चाहता था। जो लोग उस वक्त के बारे में नहीं जानते उनको ये बता दें कि ये बात है 1998 की। सलमान खान अपने को स्टार्स के साथ उस वक्त जोधपुर के आसपास हम साथ साथ हैं फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। तभी रात के अंधेरे में गांव वालों को गोली चलने की आवाज आई। गांव वाले गोली चलने की जगह पर पहुंचे तो वहां पर उन्हें गाड़ी में कुछ लोग दिखाई दिए। गांव वाले गाड़ी को तो नहीं रोक पाए, मगर उनमें से एक आदमी ने सलमान खान को पहचान लिया। पड़ताल करने पर पता चला कि उस रात गांव में 2 चिंकारा और 3 काले हिरण मार दिए गए हैं। मामले की छानबीन शुरू हुई और वन विभाग की टीम घोड़ा फार्म्स पहुंच गई जहां सलमान समेत हम साथ साथ हैं के क्रू मेंबर्स रुके हुए थे। वहां काले हिरण के अवशेष
आदेश मिले। 2 अक्टूबर को बिश्नोई समाज ने इस मामले में सलमान खान के खिलाफ FIR दर्ज कराई। सलमान खान की गिरफ्तारी हुई और उन्हें जेल जाना पड़ा, मगर हाथों हाथी उनको जमानत भी मिल गई। बिश्नोई समाज का गुस्सा इस बात को लेकर है कि आज इस मामले को चलते तकरीबन 27 साल हो गए हैं, मगर इन 27 सालों में सलमान खान को इस मामले में सिर्फ 18 दिन जेल जाना पड़ा और ट्रायल कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बावजूद वो आज भी जमानत पर। 2006 में एक ट्रायल कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई थी, मगर 2007 में राजस्थान हाई कोर्ट ने सलमान खान की सजा को सस्पेंड कर दिया। फिर जुलाई 2016 आते आते राजस्थान हाई कोर्ट ने सलमान खान को 2 चिंगारा के शिकार के मामले में बरी ही कर दिया। 2017 में जोधपुर हाई कोर्ट ने सलमान खान को शिकार के टाइम एक्सपायर्ड हथियार रखने के मामले में भी बरी कर दिया। इसके बाद 2018 में ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में सलमान खान को फिर से 5 साल की सजा सुनाई, मगर सलमान अभी तक जमानत पर है। इस तरह मामले के 27 सालों बाद भी बिश्नोई समाज अब भी न्याय का इंतजार कर रहा है। हैरानी की बात नहीं है कि इसी के बाद 2018 में लॉरेंस बिश्नोई ने ऐलान किया था कि काले हिरण के शिकार के मामले में वो सलमान खान को जिंदा नहीं छोड़ेगा और पूरे बिश्नोई समाज की तरफ से उससे बदला लेकर रहेगा। आज से 2 साल पहले की बात है, साल था 2022, महीना था जून का। सलमान खान के फादर सलीम खान साहब मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तभी उन्हें एक बेंच पर एक धमकी भरा खत मिलता है। उस खत में लिखा था, सलमान खान का हाल भी सिद्धू मूसेवाला जैसा कर देंगे। इसके बाद मार्च 2023 में सलमान खान के ऑफिशियल मेल ID पर 3 धमकी भरे ईमेल भेजे जाते हैं। इन ईमेल्स में साफ लिखा होता है कि अगला नंबर 13 है, जोधपुर आते ही तू मूसेवाला की तरह मारा जाए। इसके बाद मार्च 2023 में लॉरेंस बिश्नोई जेल से एक इंटरव्यू देता है। उस इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई बताता है कि मेरा बचपन से एक ही सपना है, सलमान खान को मारना। इसके बाद अप्रैल 2023 में भी रॉकी नाम का एक लड़का फोन पर मुंबई पुलिस को सलमान खान को जान से मारने की धमकी देता है। इस साल उस वक्त हद हो गई जब 14 अप्रैल 2024 को सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर से 2 मोटरसाइकिल सवार लोग उनके घर की फर्स्ट फ्लोर की बालकनी पर फायरिंग कर देते हैं। इस पूरे मैटर में अब तक का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब कुछ दिन पहले मुंबई के एक बड़े नेता और सलमान खान करीबी दोस्त बाबा सिद्दीकी की कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उस मर्डर के कुछ देर बाद ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी रिस्पांसिबिलिटी ले ली। यह खबर आई कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग बोल रहा है कि जो भी आदमी सलमान खान की हेल्प करेगा वो मारा जाएगा। आपको बता दें कि ये वही बाबा सिद्दीकी हैं जिन्होंने 2013 में अपने घर हुई इफ्तार पार्टी में सलमान और शाहरुख खान की सुलह करवाई थी। बाबा सिद्दीकी सलमान खान की फैमिली के बहुत क्लोज थे। 2015 में मुंबई सेशन कोर्ट ने सलमान खान को 2002 हिट एंड रन केस में 5 साल की सजा सुनाई थी। तब भी बाबा सिद्दीकी सलमान की बहन अलवीरा के साथ सबसे पहले हाईकोर्ट पहुंचे थे। उस वक्त उन्होंने सीनियर लॉयर हरीश सालवे से कॉन्टैक्ट किया और सालवे जी सलमान खान की सजा को उन्होंने सस्पेंड करवा दिया था, मगर बाबा सिद्दीकी की मौत से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। वहीं सलमान की सेफ्टी मुंबई पुलिस के लिए बड़ी सिरदर्द बनी हुई है। सलमान खान लगातार पब्लिकली आने से बच रहे हैं। मुंबई पुलिस ने सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर एक चौकी भी बना दी। सलमान खान की सिक्योरिटी में हर वक्त 40 के करीब पुलिस वाले खड़े रहते हैं। सलमान खान के फादर सलीम खान ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा है कि इन धमकियों के चलते हम लोगों की मूवमेंट पर काफी असर पड़ा है और हम उस तरह से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं जैसे पहले निकलते थे। सलमान खान भी इन धमकियों के बाद अपने घर की बालकनी में आकर फैंस को वेव करना बंद कर चुके हैं। इस पूरी कंट्रोवर्सी के बाद बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई ये लॉरेंस बिश्नोई हैं कौन, और जो भी है आखिर वो इतना पावरफुल कैसे बन गया कि वो इतने सालों से जेल में बंद है फिर भी वो जेल से सिद्धू मूसेवाला जैसे बड़े सिंगर को मरवा देता है, बाबा सिद्दीकी का मर्डर करवा देता है, सलमान खान जैसे सुपरस्टार को धमकियां दे रहा है। लॉरेंस बिश्नोई इतना पावरफुल कैसे बना, इसे समझने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा गैंगस्टर बना कैसे। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1993 को पंजाब के फाजिलका में हुआ। पैदा होने के वक्त वो बहुत गोरा चिट्टा था तो उनकी माता जी ने उनका नाम लॉरेंस रख दिया। लॉरेंस एक क्रिश्चियन नाम है जिसका मतलब होता है चमकता हुआ सफेद। हालांकि पुलिस रिकॉर्ड में लॉरेंस का नाम सतविंदर सिंह है। लॉरेंस बिश्नोई का बचपन से स्पोर्ट्स में काफी इंटरेस्ट था, वो कुश्ती लड़ता था। उसके फादर पुलिस में थे और वो चाहते थे कि बेटा IAS बने। अबोहर से 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद लॉरेंस चंडीगढ़ चला गया जहां उसने DAV कॉलेज में दाखिला लिया। धीरे धीरे उसने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। इसी टाइम इसकी गोल्डी ब्राड से दोस्ती हो गई, वही गोल्डी ब्राड जो आज कनाडा में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता है और जिसके गैंग ने सिद्धू मूसेवाला की मर्डर की रिस्पांसिबिलिटी ली थी। लॉरेंस ने 2011 में कॉलेज इलेक्शन लड़ने के लिए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी SOPU के नाम से एक पार्टी भी बनाई थी, मगर लॉरेंस अपना पहला इलेक्शन हार गया। इस हार के बाद से लॉरेंस को काफी इंसल्टेड फील हुआ, जिसके बाद उसने एक रिवॉल्वर खरीदी और उस गैंग से भिड़ गया जिसने उसे इलेक्शन में हराया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कॉलेज टाइम में लॉरेंस की गर्लफ्रेंड थी, आपसी रंजिश में दूसरे गैंग ने उसकी गर्लफ्रेंड का मर्डर कर दिया, जिसके बाद लॉरेंस पूरी तरह से क्राइम की दुनिया में आ गया। आगे चलकर लॉरेंस की दोस्ती संपत नेहरा से हुई। संपत पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा था। लॉरेंस, गोल्डी और संपत ने मिलकर पंजाब के साथ साथ हरियाणा में अपना एक क्राइम सिंडिकेट बनाया। इस तिकड़ी ने हरियाणा में काला जठेड़ी और दिल्ली में जितेंद्र गोगी के साथ भी ग्रुप बना लिया।
इसके बाद लॉरेंस शराब माफिया, ड्रग स्मगलर्स और बिजनेसमैन से फिरौती मांगने लगा। 2012-13 आते आते उसने अपना घर भी छोड़ दिया। 2014 में लॉरेंस बिश्नोई को राजस्थान में अरेस्ट करके भरतपुर जेल भेजा गया था, मगर एक पेशी के लिए मोहाली ले जाते टाइम वो पुलिस कस्टडी से भाग गया। 2016 में लॉरेंस को फिर से अरेस्ट कर लिया गया और तब से आज तक वो जेल में ही बंद है। मगर जेल में बंद होने के बावजूद वो आज भी धड़ल्ले से पूरी दुनिया में अपना काम चला रहा है। 29 मई 2022 को सिंगर सिद्धू मूसेवाला की उसके घर के कुछ दूरी पर 24 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। बाद में पता चला कि उस पूरे मर्डर को भी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्राड ने अंजाम दिया था। 5 दिसंबर 2023 राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगामेडी की उनके घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हमले में एक शूटर भी मारा गया था। मर्डर के कुछ देर बाद लॉरेंस गैंग के रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके मर्डर की जिम्मेदारी ले ली थी। इसके बाद इसी साल 14 अप्रैल 2024 को सुबह 4:51 पर दो बाइक सवारों ने सलमान खान के बांद्रा वाले गैलेक्सी अपार्टमेंट पर 5 राउंड फायरिंग भी की। इस फायरिंग में एक गोली सलमान के घर की दीवार पर लगी, वहीं एक गोली सलमान के घर पर लगे नेट को चीरती हुई उनके ड्राइंग रूम की दीवार पर जा लगी। फायरिंग के बाद दोनों शूटर्स अपनी बाइक मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। बाद में लॉरेंस के भाई अनमोल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। इसके अलावा कुछ दिन पहले जिस तरह बाबा सिद्दीकी जैसे बड़े नेता की सरेआम हत्या की गई, उसने तो पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस मर्डर की रिस्पांसिबिलिटी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। आज लॉरेंस गैंग में 700 से ज्यादा शूटर्स हैं। ये विदेशों से हथियार मंगवाते हैं। इसके शार्प शूटर्स पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली से लेकर हिमाचल प्रदेश से काम करते हैं और उनका नेटवर्क दुनिया भर में फैला हुआ है। लॉरेंस के गुर्गे शराब कारोबारियों, व्यापारियों और सटोरियों के नंबर जेल में उसके पास पहुंचाते हैं। लॉरेंस धमकी देकर इन लोगों से करोड़ों की वसूली करता है। लॉरेंस ने NIA को बताया था कि उसने तिहाड़ के अलावा राजस्थान के भरतपुर और पंजाब के फरीदकोट जेल में रहते हुए भी कई कारोबारियों से करोड़ों की वसूली की थी। आज लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नेटवर्क सिर्फ भारत तक ही नहीं है। ये गैंग गोल्डी ब्राड के थ्रू कनाडा से ऑपरेट करता है। गैंग के कई मेंबर्स कनाडा, यूके, यूएसए और दुबई में रहते हैं। इन देशों में लॉरेंस गैंग को फंडिंग मिलती है। ये पैसा हवाला के जरिए भारत आता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग सोशल मीडिया पर बहुत पॉपुलर है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर उनके हजारों फॉलोअर्स हैं। अपनी सोशल मीडिया फॉलोइंग के थ्रू वो अपनी धमकियों की मार्केटिंग करता है। लॉरेंस की गैंग में बहुत बड़े लेवल पर नाबालिग लड़के हैं। इन लोगों को गैंग से जोड़ने के लिए ये एक एक क्राइम के लाखों रुपए मिलते हैं। आज लॉरेंस का नेटवर्क लोकल और इंटरनेशनल लेवल पर इतना मजबूत है कि वो जेल में बंद होने के बावजूद पूरी दुनिया में कहीं भी क्राइम को अंजाम दे सकता है। यही रीजन है कि सलमान खान को मिल रही उनकी धमकियों को पुलिस बहुत ज्यादा सीरियसली ले रही है। सलमान खान को लगभग अंडरग्राउंड होकर काम करना पड़ रहा है। इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी के बाद ऐसे भी लोग हैं जो लॉरेंस को एक क्रिमिनल की तरह देखते हैं, वहीं ऐसे भी लोग हैं जो लॉरेंस को हीरो मान रहे हैं। उनका मानना है कि कम से कम सलमान के केस में लॉरेंस गलत नहीं है। वो ये गिनाना भी नहीं भूलते कि चिंगारा के शिकार से लेकर हिट एंड रन केस तक सलमान के नाम भी बहुत से क्राइम है। इसलिए एक बहुत बड़ा सेक्शन सलमान खान के साथ आज कोई हमदर्दी नहीं रख रहा। हमारा मानना है दोस्तों कि किसी भी सिविल सोसाइटी में सब कुछ कानून के दायरे में होना चाहिए, फिर चाहे वो कानून लॉरेंस के मामले में हो या सलमान खान के मामले में। बाकी आप इस मैटर पे क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लॉरेंस बिश्नोई को लेकर क्या सोचते हैं, इस केस में सलमान को कितना ठीक या गलत मानते हैं, ये भी जरूर कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करना मत भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। जल्दी मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।